प्रीतो द वुमेन फैशन क्लोथिंग लाइन की लॉन्च की गई लाहौर में बाय द फेमस सिंगर एंड भंगड़ा किंग इब्रारुल हक। इब्रारुल हक कुटियर है पाकिस्तानी फैशन लेबल में एक नया नाम, स्पेशलाइजिंग इन गारमेंट्स फॉर वुमेन। गवर्नर पंजाब जनाब लतीफ खोसा ने इस आउटलेट की ओपनिंग की और इनके साथ साथ इस मौके पर मौजूद थी सेवरल फेमस फैशन इंडस्ट्री सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस। इब्रार का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इब्रार ने सिंगिंग की दुनिया में भी अपनी गायकी के ज़रिए एक इनफरादियत कायम की और अब उनकी मिसेस का इस जानेब आना, फैशन इंडस्ट्री की तरफ आना भी खुश आइंद है। और आप देखिए कि मुझे यकीन है कि जिस तरह उन्होंने गायकी के मैदान में बहुत नाम पैदा किया है, इस तरह स्टाइलिंग की दुनिया में भी वो एक मुनफरद मकाम और नाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी बहुत सारी विशेज़ उनके लिए हैं, क्योंकि वो जब भी कोई काम करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत मेहनत के साथ करते हैं, तो यकीनन उनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जो घर की औरतें उनको साथ इकट्ठे करके और कम्बाइन होकर ये पूरी एक कलेक्शन मार्केट में लेके आए, जिसको उन्होंने अपने मखसूस गाने प्रीतो के साथ मुंसलिक किया है। I am wishing him good luck. इस ग्लैमर स्टार स्टडीड इवेंट को ऑर्गेनाइज किया इवेंट ऑर्गेनाइजर आमिर मजहर ने। कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हैं, बहुत फैशनेबल हैं। अब मैं टीवी देखने वाले सारों को रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड कम एंड चेक आउट इब्रारुल हक आउटलेट हियर इन गुलबर्ग। प्रीतो फीचर करती है सेमी फॉर्मल और फॉर्मल कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आउटफिट्स फॉर यंग वुमेन। डिस्प्ले की गई कलेक्शन में मौजूद हैं वाइब्रेंट कलर्स, अर्थी टोन्स, हैवी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज, मोटिव्स और ज्यूल वर्क। प्रीतो की शॉप में यहाँ पे कैजुअल्स फॉर्मल वेयर बहुत अच्छे हैं। जो डिज़ाइनर टीम इन्होंने हायर की है वो बहुत क्लासी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइजेज हैं सबसे बड़ी बात। सो मिस मत कीजिएगा, बिकॉज प्रीतो आपको मिलेगी आराम से। इब्रारुल हक की इस क्लोथिंग लाइन का पर्पस सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करना है इस भंगड़ा किंग के चैरिटेबल वर्क को। मेरी मिसेस को शौक था और उसकी कुछ फ्रेंड्स थी जो डिज़ाइनर्स थी और बड़ी ज़बरदस्त एस्थेटिक सेंस थी, तो मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देनी चाहिए। उनको साथ शामिल करके ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे उम्मीद है कि एक ना सिर्फ कि अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी, बल्कि उससे एक बिज़नेस एक्टिविटी भी जनरेट होगी और हमारे दूसरे बहुत सारे दोस्तों ने भी ये एक्टिविटी की और कामयाबी हुई। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी सक्सेसफुल होगा और इसके साथ ना सिर्फ के मुल्क में एक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, बल्कि उसके साथ साथ इस की कमाई से लंगर शुरू किया जाएगा जो उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो शायद ये कपड़े ख़रीदने के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो इंशाल्लाह इसको कनेक्ट किया है हमने दो एक्सट्रीम एंड्स को, हैव्स और हैव नॉट्स को। इसके लिए मुझे सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है।